तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने डॉक्स कॉइन्स को सेल कैसे कर पाओगे। जी हां दोस्तों, तो इससे पहले दोस्तों आपको यहां पे चेक करना है कि आपको डॉक्स कॉइन्स मिला या नहीं मिला है। तो सिंपली दोस्तों आपको चेक करने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, सिंपली आपको अपने बाइनेंस या फिर बायबिट पे चले जाना है, जिस पे भी आपने अपना अकाउंट केवाईसी किया दोस्तों, सिंपली आपको उस पे चले जाना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे अपने बायबिट पे यहाँ पे केवाईसी किया था, तो सिंपली मैं अपने बायबिट में चला जाता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपने बायबिट को ओपन कर लिया दोस्तों। देन ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस के सामने आ जाता है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों आपको चेक करना है कि आपको डॉक्स कॉइन्स मिला या नहीं। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आपको असिस्ट मिल जाता है दोस्तों नीचे में, तो सिंपली आपको असिस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप असिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पे नीचे में आपको फिर से असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, अकाउंट के बगल में ही आपको यहाँ पे असिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली फिर से आपको असिस्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप असिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों डॉक्स 7488 डॉक्स यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। तो सिंपली आपको भी यहाँ पे शो हो जाएगा अगर डॉक्स कॉइन्स मिल गया हो। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आपको डॉक्स कॉइन्स मिल गया होगा तो दोस्तों तो सिंपली आप इसे सेल कैसे कर पाओगे। तो सिंपली दोस्तों सेल करने के लिए आप नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको होम के बगल में यहाँ पे आपको मार्केट का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको मार्केट पे क्लिक कर देना है। देन जैसे आप मार्केट पे क्लिक करें दोस्तों, सिंपली आपके सामने कुछ इस तरह के सामने आ जाता है दोस्तों। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर में सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पे आपको लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिख लेना है डॉक्स। तो चलिए मैंने यहाँ पे डॉक्स लिख दिया। डॉक्स पे सर्च करने के बाद दोस्तों सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके सामने फिर से कुछ इस तरह के सामने आ गया दोस्तों। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉक्स यहाँ पे अभी कमिंग सून बता रहा है दोस्तों, जो कि आज ही लॉन्च ये होने वाला है। तो सिंपली दोस्तों मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पे MEWSTT को यहाँ पे डॉक्स मान लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको डॉक्स मान लेता हूँ और मैं आपको इसे सेल करके दिखाता हूँ कैसे सेल होगा। तो सिंपली आपको वैसे ही उससे भी करना है जब ये डॉक्स लॉन्च हो जाएगा। तो सिंपली चलिए मैं यहाँ पे MEWSTT पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से आपके सामने कुछ इसके सामने आ जाता है दोस्तों। तो सिंपली आपको बाय के बगल में आपको यहाँ पे सेल मिल जाता है दोस्तों। तो सिंपली आपको सेल पे क्लिक कर लेना है। सेल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिमिट का भी ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिमिट पे क्लिक कर लेना है। लिमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको मार्केट मिल जाएगा। तो सिंपली आपको फिर से मार्केट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप मार्केट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पे क्वांटिटी मांगा जा रहा है दोस्तों। तो सिंपली जो भी आपका डॉक्स का कॉइन्स होगा दोस्तों, क्वांटिटी होगा दोस्तों, सिंपली आप यहाँ पे फिलअप कर दे सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप कुछ मैक्सिमम या मिनिमम ही करना चाहते हैं दोस्तों, तो सिंपली आप यहाँ से इसे कर सकते हैं 55%, 40%, जो भी आप जितना भी मिनिमम करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसे आप 100% कर दें। तो जितना भी आपका डॉक्स कॉइन रहेगा दोस्तों, सिंपली आप यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली आपका दोस्तों सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको सेल पे यहाँ पे नीचे में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेल पे क्लिक करें दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है, या तो फिर आपका डायरेक्ट USDT में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली जब USDT में कन्फर्म होगा दोस्तों, तो सिंपली आप यहाँ पे इसे देखेंगे कैसे कि मेरा USDT में कन्फर्म हुआ या नहीं हुआ कन्वर्ट। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मैं फिर से होम पे आ गया हूँ दोस्तों। होम पे आने के बाद देन आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपको असिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप असिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही दिख जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको USDT में हुआ या नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है टोटल असिस्ट, तो यहाँ पे 00 USDT है दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ पे USDT आपको देखने के लिए मिल जाएगा जब USDT में कन्वर्ट होगा तो दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप USDT से INR में कैसे कन्वर्ट करोगे।